बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ चिकन की बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसका नाम है चिकन अफ़गानी ग्रेवी। इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त आला किस्म की होगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मेरे पास चिकन के दो बड़े बड़े पीसेस हैं और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके रखा हुआ है। अब इन सारे पीसेस पे कट्स का निशान लगाएंगे। और इसे एक बाउल में रख देंगे। तो सबसे पहले चिकन पीसेस पे हाफ नींबू का रस डालेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। हाफ टेबल स्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये हल्का सा रोस्ट किया हुआ है। इसे अपने हाथों से क्रश करेंगे और डाल देंगे। और अब इसके लिए एक ग्रीन पेस्ट तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास एक मुट्ठी हरा धनिया है, इसकी जड़ को काट लेंगे और एक जार के अंदर डालेंगे। एक मोटी वाली हरी मिर्च है जो कम तीखी होती है, इसे 2-3 टुकड़ों में तोड़कर डालेंगे। एक प्याज 4 टुकड़ों में कटा हुआ, 5 से 6 हरी मिर्चें जो तीखी वाली हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे छोटे पीसेस में काट कर डालेंगे। और 10 से 15 लहसुन की कलियां। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे चिकन के अंदर डाल देंगे। और सेम जार के अंदर 1 कप घर की मलाई, 1 कप दही डालकर इसे एक बार घुमा लेंगे और फिर चिकन के अंदर शामिल करेंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 घंटा के लिए मैरिनेट होने छोड़ देंगे। तो देखिए माशाल्लाह चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटा हो चुका है। तो अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। और चिकन पीसेस को डालकर दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और 1.5 से 2 मिनट बाद इसकी साइडों को चेंज करेंगे। तो देखें इसके ऊपर बहुत ही शानदार ब्राउन स्पॉट्स आ गया है। तो इसे इस साइड भी सिकने देते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए और इसे जल्दी पकाने के लिए गैस के दूसरे साइड एक कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। और फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और बचे हुए सारे मैरिनेशन को इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि दही और मलाई का घी अलग नहीं हो जाता तब तक इसे अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मैरिनेशन का मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुका है और घी
बिल्कुल अलग हो गया है। तो इस टाइम पर फ्राई किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल देंगे। चूँकि चिकन पीसेस हमारा बड़ा है, इसलिए इसे टेंडर करने के लिए एक विसल लगाना पड़ेगा। तो जो भी पैन के अंदर ऑयल और मसाला वगैरह बचा है उसे कुकर के अंदर डालेंगे और एक विसल तक इसे कुक करेंगे। और फिर प्रेशर निकलने के बाद इसे खोलेंगे। और अब चिकन को स्मोकिंग फ्लेवर देने के लिए, इधर देखें, मैंने कोयले को जलने के लिए रख दिया है। तो कुकर के अंदर एक कटोरी रखेंगे और जलता हुआ कोयला उसके अंदर रखकर ऊपर से घी डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट बाद इसे खोलकर डिश आउट करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।